हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस खंड तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य, या जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन बायोसिस्टम। मतलब हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में जो एस ब्लॉक के मेटल होते हैं, एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या रोल होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे गाइस। टोटल यहाँ पे मैं आप लोगों को 7 पॉइंट बताऊंगी जिसको आप लोगों को लिखना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं और बहुत बार आ भी चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके अलावा एस एंड पी ब्लॉक के और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं गाइस, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन बायोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं। जीवों को कम से कम 27 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 27 तत्व भी लिख सकते हो आप लोग, तत्व जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जीवों को कम से कम 27 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 एलिमेंट मेटल है। देखिए, हमारे शरीर में कई प्रकार के मेटल होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना है ना आयरन की कमी, तो आयरन भी क्या है, एक प्रकार का मेटल ही है। सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ की हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर की सेल को, इन सभी एलिमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि ये एलिमेंट मेटल होते हैं, धातु होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ये सब चीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ना कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, सोडियम पोटेशियम की मात्रा, तो ये सारे एलिमेंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर में योगदान होता है। इन एलिमेंट में से 4 एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के मेटल हैं, ये सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट के निम्नलिखित कार्य हैं। तो टॉपिक आप लोगों को समझ आया कि इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनका हमारे शरीर में क्या क्या योगदान होता है, पेड़ पौधों में कैसे इनका रोल होता है, ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा। तो सबसे पहला देखिए, कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन आवश्यक होते हैं, जहाँ ये ग्लूकोज के उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म तथा प्रोटीन के संश्लेषण सिंथेसिस में भाग लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपका पोटेशियम आयन होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग सुने हो, जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, अधिकतर देखना डायरिया के टाइम में बॉटल चढ़ाया जाता है, NaCl का बॉटल चढ़ाया जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, आपकी इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, यही सब जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर को दिए जाते हैं, क्योंकि इनका हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। शरीर की कोशिकाओं को इनकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर में ये पोटेशियम आयन पाए जाते हैं और ये जो पोटेशियम है वो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जहाँ ये ग्लूकोज के उपापचय, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है ना, उसके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं जो पोटेशियम आयन होते हैं। प्रोटीन, जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, उसके संश्लेषण, उसके सिंथेसिस में भी ये जो आपका पोटेशियम आयन है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो पहला रोल आप लोग लिख लोगे, पहला आप लोग। अब चलिए सेकेंड नंबर का देखते हैं। ये तत्व कोशिका के भीतर, मतलब जो सेल के भीतर, परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर को संतुलित करके रखते हैं, अर्थात कोशिका को सिकुड़ने से बचाने के लिए परासरण दाब को बनाए रखते हैं। चाहे पेड़ पौधों की पत्तियों में हो, चाहे हमारे शरीर में हो, हर जगह यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। तीसरा नंबर का देखिए, ये एलिमेंट कोशिका के अंदर तथा बाहर पाए जाते हैं, जैसे सेल के अंदर नाभिक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि कोशिका के बाहर फ्लूड के रूप में। अब देखिए, ये जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं और कोशिका के बाहर भी पाए जाते हैं। सेल के अंदर, जैसे कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना, सेल के अंदर में जो नाभिक होता है उसके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया में पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पाया जाता है। कोशिका के बाहर जो फ्लूड होता है उसमें भी सोडियम, कैल्शियम पाया जाता है। चौथे नंबर का लिखिए, सोडियम आयन ATP के जल अपघटन में भाग लेता है, जो सेल को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो हमें मिलता है वो सोडियम आयन से मिलता है। पांचवें नंबर का देखिए, कैल्शियम आयन हड्डियों में एपेटाइट के रूप में, दांतों के एनामल में फ्लूरो एपेटाइट के रूप में महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कैल्शियम की कमी से कई महिलाओं को हाथ पैर में दर्द होता है,
तो जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होते हैं, उनमें जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम आयन की कमी होती है तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये देखा जाए तो जो कैल्शियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और हमारे शरीर में, हमारे शरीर की हड्डियों में, दांतों के एनामल में फ्लूरोपेटाइट के रूप में महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। चौथे नंबर, सॉरी, छठवें नंबर के देखिए, खून का थक्का बनने में, क्लॉटिंग, तथा हृदय की धड़कन की में मांसपेशियों को संकुचन को नियंत्रण करने में भी कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब खून का थक्का बनना, जैसे कभी आप लोग गिर जाते हो तो ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलता है ना, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो कि वहाँ पे घाव बन जाता है, मतलब कंटिन्यू ब्लड नहीं निकलता है, कुछ देर बाद आप देखते हो कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का थक्का बनता है, क्लॉटिंग होता है वहाँ पे। तो अगर मान लो कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाए तो खून का थक्का बनेगा ही नहीं। अगर हम लोग कभी गिर गए तो हमारे शरीर से कंटिन्यू ब्लड निकलते ही रहेगा, ब्लीडिंग होते ही रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैल्शियम आयन है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, हम खून का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। हृदय की धड़कन में मांसपेशियां, आप लोग देखें ना, हार्ट बीट सुनते हो तो हृदय में जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है उनके संकुचन में भी ये जो कैल्शियम आयन है वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये सब आयन की, ये सब मेटल का हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे आयरन वगैरह की भी शरीर में कमी हो जाती है, खून की कमी, ये सब चीज़ से भी कई प्रकार के फिर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता है मरीज, तो ये सब चीज़ होता है। सातवें नंबर के देखिए, मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल आप समझते हो ना, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी कलर की दिखाई देती है, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर आप लोगों ने इसे जस्ट पहले वाला वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने क्लोरोफिल का डायग्राम भी बनाया हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स, उसमें देखना बीच में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ है गाइस जो कि हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस, आज का टॉपिक बहुत ईजी है और ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट टाइप ही इसका आंसर है, 6-7 पॉइंट भी लिखते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप यू गाइस आज का ये जो वेरी इजी टॉपिक है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।